है आज से आप प्रजा को प्रेम देना, उसका परिपालन करना, यही एक राजा का नैतिक कर्तव्य है। आज से आप प्रजा का परिपालन करना और आपके यश का डंका दूर से दूर देशों में बजता रहे। आप जन गण मन के कण का हार बने और सबके साथ आपकी मित्रता बनी रहे। आपकी नीति ही ऐसी हो कि कोई आपसे शत्रुता ही नहीं रह सके। आप तो सब जानते ही है भैया, आपका पथ मंगलमय एवं निष्कंटक हो और आप देश समाज धर्म राष्ट्र तथा प्राणी मात्र का कल्याण हो। ओ मेरे प्यारे प्रजाजनों, उगते सूरज के समान मेरे भैया के कदम कदम पर साथ और सहकार देना, यही मेरी शुभ इच्छा है। बोलो नूतन महाराज की जय। नूतन महाराज की जय। क्या मेरी बेटी ने कितना बढ़िया बोला है, एक बार मेरी बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलो बेटा बोलो। राज तिलक के अवसर पर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि ऐसे तीन लोग के नाथ ऐसे कुंवर को राज तिलक करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। भैया, ये तिलक मात्र आपकी ललाट की शोभा ही नहीं, बल्कि कुमार अवस्था को राज्य अवस्था में परिवर्तित करने का प्रतीक है। देरासर में प्रवेश करने से पहले होने वाला तिलक प्रभु की आज्ञा का प्रतीक है। वैसे ही ये तिलक भी प्रजा का परिपालन का संपूर्ण जवाबदारी का प्रतीक है। मेरे नूतन भैया महाराज की जय हो। क्या बात है।